जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि बीरप्पन का है, कुख्यात चंदन तस्कर। उन्होंने बहुत सारे चंदन लकड़ी को तस्करी किया, कितने पुलिस ऑफिसर्स को उसने जान से मार डाला, कितने हाथियों को उसने जान से मार डाला। तो आइए हम उसके बारे में जानते हैं, कौन है बीरप्पन। तो बीरप्पन का पूरा नाम कुज मुनि स्वामी बीरप्पन था। कुज मुनि स्वामी बीरप्पन था, वह दक्षिण भारत का प्रसिद्ध कुख्यात चंदन तस्कर था। और चंदन तस्करी में कुख्यात है दक्षिण भारत के जंगलों में। चंदन तस्करी के अलावा वह हाथी का दांत की तस्करी, हाथी के अवैध शिकार, पुलिस अधिकारी को हत्या अपहरण, ये कई मामले में अभियुक्त था। कहा जाता है कि सरकार ने कुल 20 करोड़ रुपया उसे पकड़ने के लिए खर्च किए। 20 करोड़ रुपया, समझ जाइए लगभग 2 करोड़ प्रतिवर्ष सरकार ने उस पर खर्च किया पकड़ने के लिए। किसको? बीरप्पन को। इतना कुख्यात और सातिर अपराधी था बीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 में गोपीनाथ नामक ग्राम में एक चरवाहा परिवार में हुआ था। बीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को गोपीनाथ नामक ग्राम में एक चरवाहा परिवार में हुआ था। बचपन के दिनों में वह मालाकाई नाम से भी जाना जाता था। बचपन का नाम उसका नाम था मालाकाई। 18 वर्ष की उम्र में वह एक अवैध रूप से शिकार करने वाले गिरोह का सदस्य बन गया। जब वह 18 साल का उम्र का था, उसी समय एक गिरोह से जुड़ गया। अगले कुछ साल में उसने अपने एक प्रतिद्वंदी का खात्मा कर दिया और संपूर्ण जंगल का कारोबार उसके हाथ में आ गया। उसके बाद उसने चंदन की लकड़ी का तस्करी किया तथा हाथी मारकर हाथी का दांत से पैसा कमाया। उस जंगल में काफी हाथी रहते थे, काफी चंदन की लकड़ियां थी, तो उसने चंदन की लकड़ियां बेच बेच कर पैसे कमाए। हाथी बहुत जंगल में था, हाथी को मार डाल, हाथी के दांत से भी उसने बहुत पैसे कमाए। उसके पास बहुत पैसे हो गए। कहा जाता है कि जीवनी लिखने वाले सुनाद रघुराम के अनुसार, जो उनके जीवनी लिख रहे थे, लिखने वाले सुनाद रघुराम के अनुसार उसने 200 से अधिक हाथी का शिकार नहीं किया। मतलब उनका कहना है कि 200 हाथी से ज्यादा ये जो है ना बीरप्पन शिकार नहीं किया। उनका मानना है बीरप्पन का 40 लोगों का गिरोह था। अपहरण तथा हत्या का वारदात वो करते रहते थे, जिनके शिकार प्रायः पुलिसकर्मी और वन्य अधिकारी होते थे। हाँ, पुलिसकर्मी इसीलिए होते थे कि वो जंगल में रहता था, और जंगल में इसलिए पुलिसकर्मी को अधिकतर शिकार करता था क्योंकि वो चंदन का लकड़ी बेचता था, तस्करी करता था और हाथी को मारता था, हाथी को दांत देता था। इसीलिए उस पर ना पुलिस और प्रशासन अधिकारी लगे रहते थे। तो वो उस जंगल में उस अधिकारी और पुलिस प्रशासन को वो बेरहमी से मारता था। जानू बीरप्पन को लगता था कि उसकी बहन मारी तथा उसका भाई अर्जुन की हत्या के लिए पुलिस जिम्मा था। बीरप्पन का एक बहन भी थी जिसका नाम मारी था, और उसका एक भाई भी था अर्जुनन, अर्जुनन जो उसका भाई था। तो उसको लगा था कि हमारा बहन और भाई को पुलिस वाले ही मारे हैं। बीरप्पन प्रसिद्ध व्यक्ति की हत्या तथा अपहरण के बल पर अपनी मांग रखने के लिए भी कुख्यात था। वो आदमी को अपहरण कर लेता था और बोलता था कि मैं मार दूंगा, आप मुझे इतना पैसा दो। 1987 में उसने एक वन्य अधिकारी को हत्या कर दी, और 1987 में एक वन्य अधिकारी को उसने हत्या भी कर दी।
10 नवंबर 1991 को उसने एक IFS अफसर पी श्रीनिवासन को अपने चंगुल में फंसाकर उनकी निर्मम हत्या कर दी। IAF ऑफिसर एक पी श्रीनिवासन थे जिनको उसने उस वीरप्पन को क्या अपराधी ने उनको निर्मम हत्या कर एक सरकारी ऑफिसर। इसके अतिरिक्त के पास हरिकृष्णन जो IPS थे IPS अधिकारी थे तथा शकील अहमद नाम के दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी समेत कई पुलिस कर्मियों की हत्या तब कर दी जब वे एक छापा डालने जा रहे थे। इस सारे ऑफिसर ने इस वीरप्पन के पकड़ने के लिए छापा मारने जा रहे थे तभी वीरप्पन ने इन सारे अधिकारी पर अटैक कर दिया। अपने गांव गोपीनाथम में उसकी छवि रॉबिन हुड की तरह थी। गांव के निवासी उसके लिए छात्र की तरह काम करते थे तथा उसे पुलिस की गतिविधियों के बारे में सूचना दिया करते थे। वे उसके गिरोह को भोजन तथा वस्त्र भी मुहैया कराते थे। गांव वाले उसे कहा जाता है कि उसे बहुत डरे हुए थे। उसको हर गतिविधि उसको बहुत तरह से सुरक्षा कवच के रूप में उसे मतलब हर पुलिस को गतिविधि को वो बताते थे गांव वाले। अरे भाई इधर से पुलिस आ गई उधर से पुलिस को गतिविधियों को बताते थे जिसे ताकि वो पकड़ा ना जाए। तो कहा जाता है कि इसलिए बताता था क्योंकि वीरप्पन से गांव वाले लोग डरते थे ना डरते थे ना डरते थे वो चाहते थे कि पुलिस से ना पकड़ा जाए अगर कहीं पुलिस से पकड़ा गया और छूट गया तो मुझे ही मारा। सचमुच उसने वैसा ही किया था। वीरप्पन के गांव वाले कभी कभी पैसे से मदद इसलिए कि उसे पुलिस की गिरफ्तार में आने से बच सके। उसने उन ग्रामीणों को क्रूरता से मार डाला जो पुलिस को उसके बारे में सूचनाएं दिया करते थे। जी हाँ वो ग्रामीण को भी मार डाला जो ग्रामीण उसके बारे में पुलिस को गुप्त रूप से सूचना दिया करते थे और वो पता कर लेता था। उसने 1986 में एक बार पकड़ा गया तथा वह भाग निकलने में सफल रहा। इतना शातिर और कुख्यात था वो पुलिस से भी भागने में सफल रहा। उसने एक चरवाहा परिवार की कन्या मिथुलक्ष्मी से 1991 में शादी की। जी हाँ वीरप्पन ने मिथुलक्ष्मी से 1991 में शादी की। उनकी उसकी तीन बेटी थी। पहली बेटी का नाम था युरानी प्रभा तथा कथित रूप से एक और जिसकी उसने गला घोटकर हत्या कर दी। वीरप्पन इतना ही कुख्यात था कि अपनी बेटी को भी गला घोटकर हत्या कर दी। वीरप्पन ने कर विभाग के कैंटीन में भी काम किया था। वो भाई सरकारी कैंटीन में भी काम किया था जो सेंट्रल का होता है एक्सरसाइज कैंटीन। वीरप्पन को वन्य जीवन की अच्छी कलाकारी आती थी। वीरप्पन को यह पता था कि जंगल में रहना कैसे है उसे सब चीज पता था। अच्छा कलाकारी आती थी और इतना ही नहीं वह कई पक्षियों की आवाज निकाल लेता था। इसमें कई बार वह पुलिस से गिरफ्त होने से बच गया। उसने कर्नाटक संगीत काफी प्रिय था और वह एक धार्मिक आदमी था तथा प्रतिदिन प्रार्थना करता था। उसने सरकार से कई बार संपर्क किया और क्षमा दान की मांग की। बताइए इतना शातिर कुख्यात अपराधी जो कितने चंदन लकड़ी बेच दिया कितने हाथियों को मार दिया
कितने पुलिस और पुलिस ऑफिसर्स को मार दिए और आदमी को मार दिया, और वो सरकार से क्षमा मांगने के लिए जा रहा है। उसकी इच्छा थी कि वह अनाथ आश्रम खोले तथा राजनीति से जुड़े फूलन देवी से प्रेरित होकर उसे अपने लंबी घनी मूंछ बहुत पसंद थी। हाँ जी, वीरप्पन का बहुत लंबा लंबा मूंछ था, वो बहुत लंबा मूंछ रखता था। वह माँ काली का बहुत भक्त था और कहा जाता है कि उसने एक काली मंदिर भी बनवाया और काली माँ का उसने मंदिर भी बनवाया। 1990 में कर्नाटक सरकार ने उसे पकड़ने के लिए एक विशेष पुलिस दस्ते का गठन किया। जल्द ही पुलिस वालों ने उसके कई आदमियों को पकड़ लिया। फरवरी 1992 में पुलिस ने उसके मुख्य सैन्य सहयोगी गुरुनाथन को पकड़ लिया, जो उसका मुख्य सहयोगी गुरुनाथन था, उसको पकड़ लिया। इसके बाद कुछ महीनों के बाद वीरप्पन ने चामा राजा नगर जिले के कोलेकल के एक पुलिस थाने पर छापेमारी कर दी। वीरप्पन ने छापेमारी पुलिस थाने पर कर दी, कई लोगों को हत्या कर दी, कई ऑफिसर्स को मार दिया और हथियार तथा गोली बारूद लूट कर ले गए। 1993 में पुलिस ने उसकी पत्नी मिथु लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया। अपने नवजात शिशु के रोने तथा चिल्लाने से वो पुलिस को गिरफ्त में ना आ जाए, इसके लिए उसने अपने संतान को गला खोकर हत्या कर दी। उसकी पत्नी को जब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो उसकी बेटी छोटी थी, जो तीसरी बेटी थी। अब उस बेटी को रखता कैसे? बेटी है तो रखना ही पड़ता उसे। तो उसने कहा किया कि भाई पुलिस से हम गिरफ्त ना हो क्योंकि बच्चा है, रोएगा। तो उसने गला घोटकर उस कुख्यात अपराधी ने अपनी छोटी सी मासूम बच्ची को भी गला घोटकर जान मार दिया। 18 अक्टूबर 2004 को उसे मार दिया गया। उसके मारने पर कई तरह के विवाद हैं। वीरप्पन की पत्नी का कहना है कि उसे कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था, इसे मारने से पहले उसे कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। वीरप्पन ने कई बार चेतावनी दी थी कि यदि उसे पुलिस के खिलाफ किसी मामले में फंसाया जाता है तो वह हर पुलिस वाले की ईमानदारी पर उंगली उठा सकता है, इसी कारण से उसे हत्या कर दी गई, उसकी पत्नी का ईमानदारी।